हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। ये चॉकलेट केक मैंने बनाया है डिस्पोजल कप में, जिसमें आप जूस या चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। इसमें भी आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। 15 से 20 मिनट में आप ये केक बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक बोल और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा और आधी कटोरी मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डालें। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो 1 कटोरी डाल सकते हैं। और डाला है 1/4 कटोरी, यहाँ पे मैंने कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी लगे कि आप ये जो पाउडर तैयार कर रहे हैं ये पानी वानी ऐड करने पे ज़्यादा हो जाएगा, केक ज़्यादा बन जाएगा, तो आप इस स्टेज पे इसको निकाल के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 कटोरी पाउडर निकाल के साइड में रख दिया है और उसे बाद में इस्तेमाल करूँगी। और मैंने इसमें डाला है 1/2 कटोरी बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब 1/2 कटोरी मैंने मिल्क लिया था रूम टेम्परेचर में, और 1 चम्मच उसमें विनेगर डाल के 5 मिनट के लिए साइड में रख दिया था, जिससे मेरा बटर मिल्क तैयार हो गया है। और मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स करने से पहले मैं इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट भी डाल देती हूँ। 1/4 कटोरी मैंने इसमें डाला है तेल, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी वाटर, मतलब यहाँ पे 1/2 कटोरी मैंने हॉट वाटर लिया था, मतलब गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाला था, जिससे मेरा हॉट कॉफ़ी वाटर तैयार हो गया था। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, मुझे थोड़ा सा बैटर थिक लग रहा है, तो इसमें हॉट कॉफ़ी वाटर मैं और डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा इसे डालूँगी, ये देखिए इतना ही। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें और मैदा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और अगर जैसे मेरा अभी थिक हुआ था, गाढ़ा हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हॉट कॉफ़ी वाटर डाला है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी या दूध भी डाल सकते हैं। अब इसे मैंने मिक्स कर लेना है, तो मैंने इसको मम्मी को दे दिया है मिक्स करने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मतलब इतना पाउडर निकाल लिया है और मम्मी को दिया था मैंने मिक्स करने के लिए। ये मिक्स हो चुका है, लम्स फ्री होना चाहिए। और यहाँ पे एक डिस्पोजल कप लेंगे और उसमें हम इसे डाल देंगे। यहाँ पे आप डिस्पोजल कप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के कप लेना है, ध्यान रखिएगा। इतना ही इसको भरेंगे, क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ा ऊपर आएगा, तो अगर आप पूरा भर देंगे तो ये बेक होके गिर जाएगा, इसलिए इसको हमें इतना ही भरना है। अब मैं इसको केक टिन में रख लूँगी। तो अभी देखिए मैंने इसको केक टिन में रख लिया है, तो अब ये बेक होने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने देखिए नमक को डाल के, स्टैंड डाल के पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट किया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा केक का बैटर, और डालने के बाद इसको ढक कर हमें तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में इसे बेक करना है 15 से 20 मिनट के लिए। आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इससे कम भी टाइम लग सकता है। अभी देखिए 20 मिनट हो चुका है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये बेक हो गया है, देखिए ये ऊपर आ गया है बेक होके, इसलिए मैंने इसको इतना खाली रखा था। अगर मैं इसको पूरा फिल कर देती तो ये गिर जाता। तो अभी इसे ठंडा होने देंगे, और देखिए मैंने टूथपिक से भी चेक करके दिखाया कि ये बेक हो चुका है नीचे तक भी। अब इसे हमें डेकोरेट करना है, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं स्ट्रॉबेरी ऊपर भी रखूँगी, आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही गर्म है, गर्म गर्म ही मैंने डेकोरेट कर दिया, क्योंकि मेरे घर में सबको खाने की जल्दी मची हुई थी। और अभी मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ इसको। जो मेरा वाला हिस्सा था मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, और अब आपको मैं इसको कट करके दिखा देती हूँ। बाकी का पीस तो ख़त्म हो चुका है। देखिए बहुत ही इजीली ये बाहर भी आ जाता है,
और देखिए मैंने आपको कट करके दिखाया, ये अंदर तक बेक हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। देखिए मैं आपको दूसरा कट करके भी दिखाती हूँ। मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।